हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेद ज्ञान। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स में जो रिक्रूटमेंट निकलती है उसमें आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहता है, क्या सिलेबस रहता है, तो उसकी डिटेल पर हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपकी फार्मासिस्ट की होगी, ओटी टेक्नीशियन की होगी, नर्स ऑफिसर की होगी, नर्सिंग ऑफिसर की, तो जितनी भी आपकी प्रोफेशनल जो आपकी पोस्ट रहती है, ठीक है, तो जैसे कि आपका साइंटिस्ट की होगी, तो सभी के जो सिलेबस होते हैं वो आपके किस तरीके से रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम आपका 3 घंटे का रहता है जिसमें कि 200 प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहता है और जो कि CBT मोड में रहता है, ठीक है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये जो है आपका रहता है जिसमें कि आपके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रहने वाला है, जितने भी आपके प्रोफेशनल जो आपके कोर्सेज रहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम रहेंगे, नर्सिंग हो गया आपका, फार्मासिस्ट हो गया, OT टेक्नीशियन हो गया, रेडियोलॉजी हो गया और जितने भी अनदर जितने भी आपके प्रोफेशनल एग्ज़ाम रहेंगे, तो सभी का जो आपका पैटर्न है एग्ज़ाम पैटर्न वो सेम रहेगा, जिसमें कि आपका 30 मार्क्स का जो है आपका एप्टीट्यूड आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, अवेयरनेस आएगा और जो 170 मार्क्स होगा वो आपका रिलेटिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है पूछा जाएगा, ठीक है। 170 मार्क्स जो आपके रहेंगे, जैसे कि आपका फार्मेसी से है तो फार्मेसी का जो कोर्स है उसी से जो है पूछा जाएगा, लेकिन जो आपका 30 मार्क्स हैं वो आपके एप्टीट्यूड GK जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग जो इसमें रहने वाली वो 1/3 की इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, अगर आप गलत आंसर करेंगे तो 1/3 नंबर जो आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद जो आपका क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया इसमें रहने वाला है वो 50 मार्क्स आपका जनरल का रहेगा, 45 मार्क्स जो है आपका OBC का रहेगा और 40 मार्क्स आपका ST कैंडिडेट्स का ये रहेगा। साथ में जो है आपका फिजिकल हैंडीकैप के साथ जो है इस तरीके से 5% का जो है रिलैक्सेशन और इसमें जो है दिया जाएगा। तो ये जो है आपका सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेबस मैं आपको दोबारा बता दूं, जितना भी आपका फार्मेसी, OT टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी जितना भी रहता है तो उसी के अकॉर्डिंग द सिलेबस विल बी अकॉर्डिंग विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट। तो देखिए जो आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का है तो उसका तो पूरा डिस्क्राइब मैंने जो सिलेबस है वो कर रखा है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल में आपको वो मिल जाएगी जूनियर असिस्टेंट की। साथ में जो आपका ये अनदर जितने भी एग्ज़ाम रहते हैं तो वो जो है आपके इसी तरीके से रहेंगे। अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड आप लोग किस तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो एडमिट कार्ड जो आपके यहाँ इस वेबसाइट में जो है देखने को मिलेंगे, अभी एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं हुए हैं, ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपके फैब में देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डे टू डे अपडेट आपको, रेगुलर अपडेट आपको प्रोवाइड वहाँ हो जाएंगी। तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न आपका CBT मोड में रहेगा, 3 घंटे का जो आपको समय मिलेगा एग्ज़ाम पेपर करने में और क्वेश्चंस के नंबर अगर हम बात करें तो 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 170 जो है आपका रिलेटिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड, GK और अवेयरनेस के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जो है आपका एम्स का रिक्रूटमेंट रहने वाला है, ये आपका पुराना नोटिफिकेशन है, लेकिन जो सिलेबस का पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है वो सेम रहता है। अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम आपको रेगुलर अपडेट करा देंगे तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम में भी वहाँ आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स PDF और जितना भी चीज़ें हैं वो वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।